सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ गौरी और अर्चना के बारे में। इन दोनों में से सही कौन है, गलत कौन है और इनके साथ में जितने लोगों ने साथ दिया और जिन्होंने साथ नहीं दिया वो किस हद तक सही और गलत है, इसी बारे में बात करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो और वीडियो का एंड तक जरूर देखना। जब वो कैप्टन बनी तो उसके बाद गौरी ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद इल्जाम ये लगा कि आप प्रोवोक कर रहे थे अर्चना को। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं शिव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ या फिर अर्चना को भी पसंद नहीं करता हूँ, ना ही गौरी को पसंद करता हूँ। सच बताऊं तो ये लोग अपने आप में ही एक अलग प्राणी है। लेकिन अभी बात सही और गलत की होने वाली है। तो इस हफ्ते जो है सलमान खान नहीं आ पाए और उसके जगह पे आए हैं करण जौहर, और करण जौहर आने के बाद में पता है क्या किया है? 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6 और 6 + 4 = 10, 10 + 1 = 11, but 11 - 1 = 10। समझ में आया? कुछ यही हाल था इस एपिसोड का। चोरी और डाका का एग्जाम्पल देना और उसके बाद से किसी भी पॉइंट पे ला करके उसको नहीं छोड़ना। तो जहां तक की बात अर्चना की है, अर्चना ने इससे पहले कितनी सारी शैतानियां की हैं, पर यहाँ पे ये कहा गया है कि जिस तरह से उसको प्रोवोक किया गया है, वो जिस तरह से वायलेंट होना चाह रही थी या फिर हल्का फुल्का जो हुई है वो होना तो लाजमी है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि क्यों अर्चना को बेफालतू का उसको तूल दिए जा रहे हैं। मतलब आकर के ये बताना कि पूरी इंडिया तुम्हारे पीछे पागल हो गई है, अरे मैं भी तुम्हारी फैन हूँ या फिर मैं भी तुम्हारा फैन हूँ, इस तरह से कहकर तो उसको और हवा में उड़ा रहे हैं ना। इसके पीछे का रीजन ये हो सकता है कि मेकर्स को ये समझ में आ गया कि ये बहुत उल्टी सीधी हरकतें करती है और इसी हरकतों से जो है कुछ ना कुछ कंटेंट तो निकल ही आएगा, क्योंकि ये अगर ऐसे पागल हुई भी रहेगी तो सबको जो है लड़ने का मौका मिलेगा और सब मिलकर के जो है कुछ ना कुछ तो मुद्दा निकाल ही लेंगे। तो भाई ये तरीका है कंटेंट देने का। अब इसके अलावा बात करते हैं वोटिंग के बारे में। जैसे वोटिंग की बारी आई कि गौरी गलत थी या नहीं, क्योंकि वो हाथ में डंबल लेकर के थी। भाई सबको पता है ये बिग बॉस का घर है और यहाँ पे किसी के ऊपर में हाथ उठाना या फिर उसको फिजिकली हर्ट करना इट इज नॉट पॉसिबल। तो भाई सिर्फ धमकी ही थी और बिग बॉस को भी तुमने धमकी दिया का क्या मतलब होता है? उसने ये थोड़ी ना बोला कि बिग बॉस मैं तुम्हें भी देख लूंगी, उसने ये बोला प्लीज बिग बॉस आप कुछ करो वरना फिर मेरा हाथ उठ जाएगा और फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वैसे गौरी के बारे में हर बार जो है एक चीज कहते हैं कि पूरा एकदम चाली वाली फील आने लग जाती है कि ये किसी चौल या आंगनवाड़ी से आई है। भाई बिग बॉस के घर में तो सब एक समान है ना, फिर ऐसा क्यों? और जहां तक मुझे लगता है कि केजो ने उसको जो टारगेट किया उसके पीछे का रीजन क्या है, केजो को सिर्फ अमीर लोग या फिर एकदम मस्त दिखने वाले लोग या फिर जिनकी बिहेवियर जो है बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत ही डेलिकेट टाइप के होते हैं, वैसे टाइप के लोग ज्यादा पसंद है। तो भाई वो अमीरों वाला चोचला जो है यहाँ पे रखा गया है और इन दोनों के बीच में शायद वही था। क्योंकि जिस तरह से मानिया की वोटिंग के ऊपर मैं सवाल उठा दिया कि तुम्हारे हिसाब से ये सही हो गया, ये सही है, उसके ऐसे जैसे ही उसने एक वैलिड एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की उसी वक्त उसको रोक दिया। ओके तो तुम्हारा जो है ये ना है, ठीक है चलेगा, तुम्हारे हिसाब से ओके है ये चीज करना, ठीक है। ठीक उसके बाद जो भी लोग गौरी के सपोर्ट में आने वाले थे वो सब के सब अर्चना के सपोर्ट में चले गए और उसके पास एक ऐसा सवाल कर दिया कि क्या तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं, ये फैसला कर लो। और उसके बाद से शायद कह दिया होगा बिग बॉस ने या फिर भाई क्रिएटिव टीम ने कि सर उसको घर से नहीं निकालना है। तब तक जो है यहाँ पे गौरी भी चेंज हो जाती है कि मैं सॉरी बोल दूंगी और उसके बाद से मामला रफा दफा हो जाता है। यही अगर सलमान खान होता ना भाई तो तरीके से फाड़ता था और मजा भी आता था देखने में, लेकिन यार केजो इज नॉट गुड फॉर दैट। इसके बाद से बात करते हैं कि केजो का दिल किस पे आया था। केजो ने शालिन को बनाया अपने फिल्म का राहुल और उसके साथ में दिया एक टीना और टीना के साथ दिया अंजलि। बाय द वे 10 out of 10 जो है अब्दू को मिला था, फिर भी विनर घोषित किया किसको? ओके आई नो द रीजन क्यों ऐसा रिजल्ट लाया गया, लेकिन फिर भी यार नहीं ब्रो ऐसा नहीं होता रे ब्रो, अरे कुछ भी मतलब ए सुम में रहना तू, अभी तू करण सर है तू। जब दो बड़े लोग बात कर रहे ना ब्रो तो बीच में नहीं आने का ब्रो, पहले बता रहा मैं। और ये बंदा कहता है फुल चाली वाली फीलिंग आ रही है भाई, क्या बोलूं मैं इसको एमसी का मतलब अभी मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। हाँ उसके फैन लोग जो है मुझे ही कह दो वो एमसी जाके कमेंट सेक्शन पे बाय द वे आई लव दैट डायलॉग, 80,000 का जूता है तेरा घर जाएगा इसमें। और करण जौहर किसी एंगल से भी उसके साथ में अपना वाइब मैच करते हुए नहीं लग रहा था, फिर भी जबरदस्ती ये ब्रो आई फील यू ब्रो अप्रिशिएटेड। वैसे ये वर्ड्स बोलता क्यों रहता है स्टैन, इसके पीछे में कोई मीनिंग भी है क्या? मतलब मीनिंग सबको पता है पर वो जिस कॉन्टेक्स्ट में कहता है, जिस सिचुएशन पे बार बार यूज करता है वो आई फील इट ब्रो अप्रिशिएटेड क्या है ये। So that's it from my side. What's your take? Please do comment. And I know कि मैं बीच में गायब हो गया था। हाँ यार गायब हो गया था। अभी मुझे पता है अभी सभी लोग कह रहे होंगे कि अलीबाबा का अपडेट किधर पे है या फिर उसके अलावा इंडियन आइडल का। थोड़ा सा मामला हिला हुआ था बीच में, जो है फेस्टिव आ गया था। I was busy in something. So I'm back. मालूम है ऐसे वादे बहुत बार करता हूँ तोड़ता भी हूँ। दिवाली का समय है और दिवाली से किसी की याद आ गई। दी से दिवाली, दी से धोखेबाज, दी से फक ऑफ। हाँ ये डी से नहीं होता है। I know that.